देखिए सर, यहाँ पे हम सबसे पहला लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पे डैशबोर्ड्स में जा रहा हूँ, एकदम शुरू से आपको दिखा रहा हूँ। डैशबोर्ड्स में हमारा सबसे पहले मैं डैशबोर्ड्स में जा रहा हूँ। अभी हम आप लोगों को इस चीज के बारे में बताएंगे जो कोई भी बीड में पार्टिसिपेट कैसे लेते हैं। बीड्स में पार्टिसिपेट लेने का दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट बीड में पार्टिसिपेट, यदि वो कैटलॉग आपका तैयार है तो जो रिक्वायरमेंट है बायर का उसके हिसाब से आपका कैटलॉग रेडी है तो आप डायरेक्ट बीड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को एक यूट्यूब में मेरा वीडियो भी बनाया और अभी आप लोगों को मैंने दिखाया भी। दूसरा एक तरीका है कि आपके पास कैटलॉग उसके अकॉर्डिंगली रेडी नहीं है तो आपको क्या, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली कैटलॉग बना के कैसे बीड में पार्टिसिपेट करेंगे, ये हमारा एक है। तो ऐसे दो तरीके का है बीड में पार्टिसिपेट होने के, दो वजह। तो हमको बीड्स पहले कहाँ से पता चलता है, तो बीड्स एक तो ऑनलाइन जो लेटेस्ट बीड है वो मुझे यहाँ से पता चलना चालू हो जाए। एक नॉर्मली जो लेटेस्ट बीड है मेरे कैटलॉग के अकॉर्डिंगली, जो मैंने कैटलॉग बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो बीड्स है वो मुझे यहाँ पे मिल जाता है। यदि ये छोड़ के भी आपको बीड्स देखना है तो बीड्स में जाके लिस्ट ऑफ बीड्स में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको बीड्स, सभी बीड्स आपको मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे जो बीड्स मिलेगा यहाँ आप, यहाँ के बीड्स में भी आप पार्टिसिपेट किसी में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम फिल्टर जो है आपके पास ये आपके कैटलॉग्स के अकॉर्डिंगली है, जो आपके कैटलॉग्स बने हुए हैं उसके हिसाब से आपका बीड्स में आपका दिया हुआ है। आप यदि इसको छोड़ के आप सर्च करना चाहते हैं तो बीड्स या आर ए नंबर या आइटम वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मुझे आइटम वाइज सर्च करना है, या फिर आपके पास यदि कोई बीड नंबर है तो यहाँ पे बीड आर ए नंबर ले लीजिए और सर्च कर लीजिए, या फिर आइटम से। तो मेरे पास अभी डिजिटल सिग्नेचर का बना हुआ है तो मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर डाल देता और सर्च कर देता। तो मुझे अभी यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के जो बीड्स है वो मुझे यहाँ पे मिलना चालू हो गया। जितने भी डिजिटल सिग्नेचर का अभी बीड्स चालू है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं वहां से देख सकता हूँ। यहाँ इंक्लूडिंग आप दूसरा किसी का देखना चाहते हैं तो दूसरा चेयर देख सकते हैं। मैं अभी हैंड ग्लव्स का देखना चाहता हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे मेडिकल्स वाले आ रहे हैं यहाँ पे। हैंड ग्लव्स हैंड ग्लव्स के बीड्स नहीं है क्या? ongoing bids computer के बीड्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं इसका सर्च का आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोग तब तक हम यहाँ पे बीड्स में देखते हैं यहाँ पे क्यों सर्च नहीं हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। ऑनगोइंग बीड्स में जाते हैं, मेरा जो लेटेस्ट बीड है मेरे अकॉर्डिंगली मेरे कैटलॉग के हिसाब से वो मुझे बीड्स यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। जो भी मेरे कैटलॉग है, मेरे कैटलॉग में 50 आइटम है तो 50 आइटम्स का बीड्स मुझे यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो मेरा कैटलॉग है उसमें से मैंने वहाँ पे 100 क्वांटिटी का मैंने डाल के रखा है तो ये 150 है, इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, पर ये 35 है ये मैं इजीली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको पार्टिसिपेट बोल के करता हूँ यदि मुझे इस कैटलॉग में पार्टिसिपेट करना है। तो पहले इसका रिक्वायरमेंट डिटेल्स देखना चाहिए था मुझे, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो मैं एक बार बैक करता हूँ, बैक करके 35 में यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसको क्या क्या चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये तीन साथ जैसे हम लोगों ने थोड़े से पहले बताया
और इसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्लास टू सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट है, सिग्नेचर क्लास टू का 2 साल के लिए रिक्वायरमेंट है, जीएसबी टोकन चाहिए और यहाँ पे जो डिटेल्स डाले हुए सब कुछ आपको दिया है, 15 डेज के अंदर डिलीवरी चाहिए, 35 ऑर्डर, और कहाँ पे चाहिए, अगरतला में चाहिए, इसको ये हमारा डिटेल्स इसने बता दिया है। अभी इसके हिसाब से हमारे पास दो वे हो सकता है, एक तो हमारे पास इसके हिसाब से बीड्स में जो हमारे बीड्स है, जो हमको इसको रिक्वायरमेंट है बायर का, उसके हिसाब से हमारा जो कैटलॉग है वो तैयार है, अदरवाइज तैयार नहीं है, हम देखेंगे यहाँ पे पार्टिसिपेट में करेंगे तो सबसे पहला टेक्निकल, फिर ऑफर प्राइस, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ईएमडी, या फिर यदि आपका कुछ बैंक गारंटी रहा तो बैंक गारंटी, और वेरीफाई ओटीपी करना है, ये आपका एक एक प्रोसेस जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला टेक्निकल बिड में, यहाँ पे मैं आके पार्टिसिपेट पे क्लिक करता हूँ, जैसे पार्टिसिपेट के लिए क्लिक करूंगा यहाँ पे आ जाएगा सब डिटेल्स, जो मेरा इसके हिसाब से कैटलॉग रेडी है क्या, यहाँ पे इसके हिसाब से कैटलॉग रेडी है कि नहीं यहाँ पे आ जाएगा, यदि रेडी है तो यहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बताएगा कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे इसके हिसाब से कैटलॉग मेरा रेडी नहीं है फिर से, तो मैं यहाँ पे नया प्रोडक्ट अपलोड करूंगा, क्लिक हियर टू अपलोड, वन टू अपलोड न्यू प्रोडक्ट, डिजिटल सिग्नेचर बोल के मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आ गया, कंपनी मेरे पास ई मुद्रा का है, ऑटो क्रिएशन कैटलॉग्स जरूरत नहीं है मुझे, उसका नंबर्स नहीं है, सिग्नेचर अब इसका रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं एक बार चेक करूंगा यहाँ से, इसकी रिक्वायरमेंट सिग्नेचर है या सिग्नेचर प्लस इंक्रिप्शन दोनों है, सिग्नेचर है क्लास टू का 2 साल के लिए, तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर पे क्लिक करूंगा, क्लास टू का 2 इयर्स का वैलिडिटी के साथ, यूएसबी टोकन उसको चाहिए, यस, सेव एंड प्रोसीड। अभी जो मैंने अभी डाला उसके हिसाब से पहले से कैटलॉग बना हुआ है क्या वो मुझे बता देगा, हाँ उसके हिसाब से कैटलॉग बना हुआ है, यदि उसके हिसाब से कैटलॉग बना हुआ है और वो मैं चूज करता हूँ तो मुझे अप्रूवल के लिए टाइम नहीं लगेगा, तुरंत अप्रूवल हो जाएगा, यदि नया प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ तो अप्रूवल के लिए टाइम लगेगा, यहाँ पे दोनों रहे, जो तो मैं इसमें से कोई चूज कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट चूज कर सकता हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पे प्रोसीड विथ न्यू आइटम पे भी जा सकते हैं, तो नया आइटम पे पूरा का पूरा आपको नया प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि कैटलॉग में आप लोगों ने कल देखा था अपलोड करते हुए, तो आप यहाँ से नया भी प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, आप अदरवाइज यहाँ पे चूज कर सकते हैं, यहाँ पे चूज कर लेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको अप्रूवल के लिए वेट नहीं होगा, तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा, तो चूज दिस आइटम, मुझे अप्रूवल के लिए वेट नहीं है, तुरंत मुझे अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि मेरा जो मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट का कैटलॉग बना हुआ है, सिर्फ मैं अभी आप इसमें रेट चेंज कर दूंगा, इसके स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। तो ये कैटलॉग इन्फॉर्मेशन मुझे इसलिए फिल नहीं करना पड़ा, सेकंड नंबर ऑप्शन चला गया। अभी यहाँ पे रीसेलर ऑथराइजेशन नंबर, मेरा जो ऑथराइजेशन नंबर है मैं वो डाल देता हूँ, कौन से कंपनी से मुझे ऑथराइजेशन है, तो ई मुद्रा से मुझे ऑथराइजेशन है, ऑथराइजेशन का डेट कभी है, तो मुझे ऑथराइजेशन का डेट मैं 2018 में मिला किया था, जनवरी 1 का डेट डाल दिया, कब से कब तक ऑथराइजेशन का वैलिडिटी है, एक जनवरी से लेके 2021 दिसंबर तक, यहाँ तक मेरा ऑथराइजेशन का वैलिड है। स्टॉक कितना है मेरे पास, स्टॉक बहुत है, 1000 मेरे पास स्टॉक्स है, HSN कोड है तो डाल दीजिए, नहीं तो मैंडेटरी नहीं। इसका MRP ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि जिसने मैंने किसी का आइटम चूज किया है उसने 1200 रुपए MRP डाल के रखा है, तो उसके हिसाब से आप इसको कितने में देंगे, मैं इसको 830 में दे दूंगा, सिर्फ सिग्नेचर का 2 साल का है, 830 रुपीज प्राइस कर दिया। कहाँ पे डिलीवर करना चाहते हैं, मैं ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करना चाहता हूँ, यदि आप पर्टिकुलर कोई लोकेशन डिलीवर करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर वो लोकेशन आप चूज कर सकते। इसके कैटलॉग्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कल के ट्रेनिंग्स में बताया था, टर्म्स ऑफ डिलीवरी फ्री डिलीवरी आएगा ऑटोमेटिकली,
करंट स्टॉक या मैक्सिमम क्वांटिटी टू बी डिलीवर्ड इन 15 डेज पर 15 डेज में आप 15 डेज में आप कितना डिलीवरी आप कर सकते हैं, तो 15 डेज में मैं 100 क्वांटिटी डिलीवर कर सकता हूँ। मिनिमम क्वांटिटी कितना चाहिए ऐसा कंसाइन करने के लिए? 5। लीड टाइम कितने दिन का आपको लीड टाइम चाहिए? मुझे 10 दिन के अंदर चाहिए, जिससे मैं 10 दिन के अंदर प्रोसेस भेज सकता हूँ। 7 प्रोसेस। मुझे अभी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और अपलोड इमेज कुछ नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैटलॉग ले लिया है। तो मुझे यहाँ पे रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशंस क्लोज कर दीजिए इसको यहाँ पे और पब्लिश डायरेक्ट, ये मेरा पब्लिश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे पब्लिश में आपको कैटलॉग्स में देखता हूँ फिर से, देखो नया आइटम मुझे यहाँ पे पब्लिश मिलेगा। मेरा ऑलरेडी 2 आइटम पब्लिश्ड है, अभी मुझे यहाँ पे पब्लिश में 3 आइटम आ गया और एक मैंने पब्लिश कर दिया इस कैटलॉग के अकॉर्डिंगली। अब यही इसी को मैं फिर से बीड में पार्टिसिपेट करूंगा। बीड्स, लिस्ट ऑफ बीड्स, ये वाला मेरा बीड था जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे, तो मैंने इसके टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंगली कैटलॉग डिजाइन कर लिया पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट अभी भी नहीं आ रहा है, मैं इसको एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, देख लेता हूँ आ रहा है क्या। फिर से आएंगे बीड्स, लिस्ट ऑफ बीड्स, थोड़ा टाइम लेता है यहाँ पे ये बीड्स में मेरा एक्टिवेट होने के लिए। जैसे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा मुझे यहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने को मिल जाएगा। पार्टिसिपेट जब तक यहाँ पे अपडेट्स नहीं होगा तब तक यहाँ पे पार्टिसिपेट का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे थोड़े देर पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे पार्टिसिपेट का ऑप्शन आ चुका था, यहाँ पे आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे पार्टिसिपेट पे हम क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं देखता हूँ ये पार्टिसिपेट का प्रोसेस, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और यदि आपके पास डायरेक्ट रहा प्रोडक्ट तो भी आप डायरेक्ट फिर आप चार्ट चूज कर लेंगे, उसके हिसाब से कैटलॉग बना हुआ है, और फिर आप हमारा जो अभी थोड़ी देर बाद प्रोसेस दिखाऊंगा उसके हिसाब से आगे का प्रोसेस में हम चलते रहेंगे। ये बीड्स का है, ठीक है, तो 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट में देखता हूँ और फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ, 2 मिनट में देख लेता हूँ ये अपडेट हो जाता है तो।
देखो सर, यहाँ पे अभी अपडेट्स हो चुका, जैसे अपडेट हो गया यहाँ पे मुझे उसका रिफ्रेश में ये आ गया। अभी जैसे आ गया इसको चूज दिस आइटम में मैं क्लिक कर दूंगा, जैसे ही चूज दिस आइटम कर दूंगा इसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन आ गया, सब कुछ हो गया, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पार्टिसिपेट का ऑप्शंस आ गया, जैसे चूज हम आइटम कर लिए। चूज दिस आइटम, ये ऑटोमेटिकली ये पूरा डिटेल्स आ गया, इसको सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपका ये वन बाय वन जाता रहेगा, अभी हम ऑफर प्राइस की ओर जाएंगे। कंटिन्यू, ऑफर प्राइस यहाँ पे बता रहा है 689 से नीचे का आपको ऑफर प्राइस डालना है, आप कितना का डालेंगे? तो मैं यहाँ पे 670 डाल रहा हूँ, 689 से ऊपर का प्राइस हम नहीं डाल सकते, जैसे कि आपको थोड़ा सा पड़ा है। तो इसका इसके हिसाब से मेरा पास 2 3 7 2 3 4 5 0 होता है, इनक्रिप्ट एंड सेव। ओके, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट आपका जो है सर्टिफिकेट वो आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही मांगा है, तो मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका OEM का जो सर्टिफिकेट होगा वो आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपका अपलोड कर दिया और इसको सेव। वेरीफाई OTP, मैं OTP के साथ मुझे इसको वेरीफाई कर देंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को एक और पे वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे OTP डालेंगे वो वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आप वेरीफाई कर देंगे तो आपका ये टेंडर सबमिट हो जाएगा। मुझे OTP नहीं दिख रहा है तो भी ये मोबाइल नंबर बाहर है, तो यहाँ पे जैसे ही OTP आएगा आप वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करने के बाद आपका टेंडर सबमिट हो जाएगा। टेंडर सबमिट होने के बाद आपको बीड्स में यहाँ पे आपको पार्टिसिपेटेड बीड्स में आपको वो टेंडर दिखना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वहाँ पे टेंडर को आप देख सकते हैं, पार्टिसिपेटेड बीड आप यहाँ पे कभी भी देख सकते हैं, जितने भी टेंडर में अभी तक आपने पार्टिसिपेट किया है वो सभी टेंडर्स में आप देख सकते हैं। बीड्स या रजिस्टर्ड आप अपने बीड्स का टेंडर का आपको कभी भी स्टेटस देख सकते हैं, इंक्लूडिंग आपने जो टेंडर भरा नहीं है उसका भी आप स्टेटस चाहे तो देख सकते हैं। तो आप देखिए, आप यदि पुराना कोई टेंडर का आप स्टेटस देखना चाहते हैं तो उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। अब पिछले बार मुझे किसी ने बोला था तो वो नंबर है मेरे पास, मैं उसका आपको स्टेटस दिखाता हूँ कैसे बीड्स में स्टेटस देखते हैं। फिल्टर बाय बीड या RA नंबर या आइटम वाइज, जैसे हम लोगों ने पहले भी आपको बोला था, आप आइटम वाइज भी स्टेटस देख सकते हैं। तो ये टेक्निकल एवोल्यूशन हुआ है, फाइनेंस एवोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है, तो मुझे यहीं तक मिलेगा, टेक्निकल एवोल्यूशन तक ही मिलेगा इसका व्यू बीड्स। यहाँ पे टेक्निकल में कितने कितने नहीं, वो भी अपने को अभी डिटेल्स पता नहीं चलता है।
कितने लोगों ने आया, ये टेंडर का नहीं पता चल रहा है अब क्योंकि इसका पूरा खुला नहीं है। जो टेंडर खुला है उसका देखेंगे, बिड सारे स्टेटस, उसका और एक टेंडर ले लेता हूँ मैं। बीड बाय आरे नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेक्निकल एवोल्यूशन, फाइनेंस एवोल्यूशन, आरए अवार्ड हो चुका है, तो इसका मुझे पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। टेक्निकल में कौन क्वालिफाई हुआ, फाइनेंस में कौन क्वालिफाई हुआ और किसको टेंडर मिला। ये टेंडर था, टेक्निकल में कौन लोग आए और कितने लोग क्वालिफाई हुए। तो टेक्निकल में इतने लोग आए थे और इसमें जो डिस्क्वालीफाई हो गया वो टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई हो गया। उसमें से एमएसएमई वाले कौन कौन थे वो भी आपको पता चलता है यहाँ पे, एमएसएमई वाले कौन कौन है और कौन कौन क्वालिफाइड हो गए वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, कौन कौन क्वालिफाइड। उसमें से टेंडर किसको मिला, तो यहाँ पे आप फाइनेंस पोजीशन में देख सकते हैं उसमें से टेंडर किसको मिला और क्या रेट में आपको टेंडर मिला। यहाँ पे आपको इसका टेंडर का पूरा डिटेल्स आपको L1 में मिल जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे दूसरा भी देख सकते हैं, यदि आपको टेंडर का नंबर नहीं पता है तो आप कोई पर्टिकुलर कीवर्ड से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आइटम देखा था, तो आइटम में हम कोई भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मेरा कंप्यूटर डाला हुआ है तो मैं कंप्यूटर से डाल लेता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ बीट का अवार्ड जिसका हो गया वो टेंडर देखेंगे। ये इसका रिजल्ट खत्म हो चुका है, तो इसके हम लोग टेंडर का देखेंगे व्यू बिड रिजल्ट। ये टेक्निकली टेक्निकल में कितने लोग आए थे, तो टेक्निकल में टोटल 6 लोग आए थे, 3 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, 3 लोग क्वालिफाई हुए। और टेंडर किसको मिला, तो इसको मिला, इतना रेट में टेंडर मिला। ये सभी चीजें अपने को यहाँ पे दिखाई मिलता है, चाहे वो टेंडर आपने सॉरी यदि आपने वो टेंडर भरा है या नहीं भरा है, आपको तब भी उसका डिटेल्स आपको पता चलता है। बोलिए सर, किसी को कुछ क्वेरी है इसमें? नो क्लियर। अभी तक हम लोग आज के जो क्लासेस थे उसमें देखा टेंडर, यदि आपके पास कैटलॉग तैयार है तो आप कैटलॉग तैयार के साथ कैसे टेंडर भरेंगे, कैटलॉग तैयार नहीं है तो भी आप टेंडर को कैटलॉग बना के कैसे को टेंडर को भरेंगे। सेकंड, टेंडर किसको मिला, भरने के बाद यदि टेंडर किसको मिला, क्या रेट से मिला, आपने टेंडर भरा है या नहीं भरा है। नहीं भरा है तो भी आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं और भरा है तो भी आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। कौन लोग टेक्निकल में क्वालिफाई हुए, कौन फाइनेंस में, किसको टेंडर मिला, क्या रेट से मिला, ये सब डिटेल्स यहाँ पे मिलता है। हाँ, टेंडर की तरह डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ पे नहीं देख सकते और L1 छोड़ के L2, L3, L4 का रेट यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया जाता। बोलिए सर, और कुछ अभी इसमें से जेम में कुछ क्वेरी है आप लोगों को? नहीं, इसमें तो नहीं सर। बाकी सबके लिए अभी जेम का, हमारा जेम का जो कोर्सेस थे उसमें से इतने सभी चीजें हम लोगों ने अभी क्लियरिफाई कर दिया। अभी और किसी को कुछ इसमें है क्वेरी? सर आप सर्विसेज का भी बताने वाले हैं इसमें? सर्विसेज का, ठीक है, सर्विसेज का देख लो सर। यदि आपको बिड्स में देखना है तो ऑनगोइंग बिड्स में आप सर्विसेज का देख सकते हैं।
में कैटलॉग भी बना सकते ना सर सर्विसेज का? यस कैटलॉग भी बना सकते हैं, कैटलॉग्स वगैरह देख लीजिए प्रोडक्ट में, सर्विसेज में। यदि आपको सर्विसेज का लिखना है तो कैटलॉग में जाओ, सर्विसेज एड न्यू ऑफरिंग। सर्विसेज में आपका खुद का कोई मतलब क्या बोलते हैं, सर्विसेज में हमेशा आपका खुद का ही प्रोडक्ट होता है अलग से, मतलब प्रोडक्ट मतलब सर्विसेज हमेशा खुद का ही होता है। हम दूसरे कोई कंपनी से लेके यहाँ पे रीसेलर जैसा कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं रहता। सेम प्रोडक्ट जैसा ही है उसमें, और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं एक बार पूछ लेता हूँ दत्ता सर से, जो कल के क्लासेस में कुछ OEM रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्या बोला सर? नहीं मैं एक बार दत्ता सर से पूछता हूँ कल का क्लासेस है क्या मेरा, यदि नहीं है तो आप लोगों का कल का फिर से सेम टाइमिंग पे आपकी सिर्फ जो भी प्रॉब्लम है उस क्वेरी के लिए हम लोग क्लास एक रख देंगे। तो आपने आज जो क्लासेस किया या फिर आप लोगों कल में आपने जो जो भी क्लासेस हुए थे उसमें से आप लोग आज जो प्रैक्टिस करेंगे उसका यदि कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो कल हमसे आप लोग उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। यदि आपने प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कल फिर उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं कन्फर्म अभी नहीं बोलता हूँ, नहीं तो एक डेट हम लोग रखेंगे इसके ऊपर, जो उस दिन हम लोग उस डेट को जो भी आपके प्रॉब्लम्स होगा उसको हम लोग देखेंगे। देखता हूँ कल का क्लास एक बार चेक करता हूँ। हाँ अभी इसमें जो OEM रजिस्ट्रेशन का है ना, हाँ वही एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि OEM रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसमें क्या क्या क्लॉज है। नहीं ठीक है OEM का देखता हूँ। Thank you.
सर्विसेज बोलिए सर, अभी आपका सर्विसेज क्या है सर? मेरा कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरे का बोला। क्या बोले सर? कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरे का बोला। सीसीटीवी सीसीटीवी मतलब एनुअल मेंटेनेंस का लेता है क्या? एएमसी? हाँ सर, एएमसी लेते हैं। आपने कंप्यूटर या नेटवर्किंग का भी लिखा तो ठीक है। हाँ, एनुअल मेंटेनेंस, डेस्कटॉप, लैपटॉप। हाँ सर। नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली सब चीज आपको इसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। सॉरी। और ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट है आपका, जो जो है, क्या क्या टर्म्स है, ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट आपको यहाँ पे लिखा रहता है। यहाँ पे इसको क्रिएट सर्विस कैटलॉग इनिशिएट का इटली फर्दर डिटेल्स फॉर द वैलिडेशन एंड सेव। आपको फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड करना है, लास्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस क्या क्या है आपका, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नेम, आपका पहले का एक्सपीरियंस कुछ है क्या? तो है पीडब्ल्यूडी पुणे, मैं डाल दे रहा हूँ ऑर्डर नंबर, ये आपका ऑर्डर नंबर है, कंप्लीटेड है, ऑनगोइंग है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट वैल्यू 450,000 का था, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितने दिन का था, 1 अप्रैल से लेके 20 जून तक था, बायर का नाम, चलिए एक बायर का नाम, उसका डेजिग्नेशन क्या था, रोहित पवार, ऑफिशियल फोन नंबर, ऑप्शनल कॉन्टेक्ट नंबर यदि कुछ है तो, और कोई प्रोजेक्ट ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो रेड शीट्स ऐड रो, प्राइस ऑन डिमांड, यदि आपको लगे तो डिमांड के अकॉर्डिंगली आप प्राइस कर सकते हैं, या फिर टाइप ऑफ एसेट्स, आपको क्या है, डेस्कटॉप पीसी, या सिलेक्ट ऑल, यदि आपने सिलेक्ट ऑल कर दिया तो सभी सिलेक्ट हो जाएगा, जितने भी इसमें प्रोडक्ट है, इसमें आप कुछ नहीं चाहिए तो आप उसको कट करके निकाल सकते हैं। ब्रांड, आप कौन कौन सा ब्रांड देने वाले, यहाँ पर भी सिलेक्ट ऑल का बटन है, इतने सारे ब्रांड्स है, या फिर आप यदि कोई ब्रांड का नहीं देने वाले हैं तो उसमें से वो निकाल सकते हैं, मुझे KBS का नहीं देना है, लेक्समार्क का नहीं देना है, तो मैं इस सब को ब्रांड को निकाल, अदर्स में कोई भी ब्रांड होगा तो नहीं देने का है, तो मैं यहाँ से ब्रांड्स निकाल सकता हूँ, ये ब्रांड्स का ही मैं सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ ईच एसेट AMC फॉर ऑर्डर, मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर 1 हुआ तो अभी मैं AMC प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ईच एसेट, मैक्सिमम कितना नंबर तक दे सकते हैं, तो मैक्सिमम मैं 1000 तक भी दे सकता हूँ। और AMC कॉस्ट एसेट पर एनम, AMC कॉस्ट क्या होगा पर एनम के लिए, उसके हिसाब से आपका AMC का कॉस्ट डिसाइड कर दीजिए, तो मेरा 5 लाख का होगा, या 50 लाख, 5 लाख, जो भी आपका अमाउंट आप डाल दीजिए, AMC कॉस्ट होगा, टोटल AMC चार्जेस पर एसेट है, पर एसेट 5,000 रुपया पर एसेट, उसके हिसाब से आपका टोटल AMC कैलकुलेशन करेगा और वैलिडेट एंड सेव।
कंटिन्यू, सर्विस कैटलॉग नॉट वैलिड। Kindly make sure enter all relevant government project experience before submitting up any. मुझे बता रहा है कि आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह एड में और चाहिए, अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट।